हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय ससाने। दोस्तों, आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार करने वाले हैं। इसमें आज हम कई सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, डे टू डे लाइफ में हमें जो चैलेंजेस आते हैं उसे कैसे हैंडल किया जाए, स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है कि हम प्रैक्टिकली स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे Q&A सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चंस लेंगे और उसके आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके हम आंसर करेंगे और हम आपको बेटर वे में हेल्प कर सकते हैं। तो आपको भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस डाल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस आपके लिए बनाएंगे और आपके जितना ज़्यादा हम आपके सवालों के जवाब आपको दे सकते हैं, जितना ज़्यादा क्लैरिटी दे सकते हैं उतना हम देने की कोशिश करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब ऐसा है कि हम स्ट्रेस लेते नहीं है, स्ट्रेस हमें आता है। यानी हमारे ब्रेन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हमने सबने सुना होगा। ये मैकेनिज्म है फाइट एंड फ्लाइट। यानी हमारा ब्रेन एनवायरनमेंट के अंदर थ्रेट्स ढूंढता रहता है। उसके लिए पूरा हमारा एक ब्रेन का सिस्टम होता है जिसको कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, राइट। तो ये ब्रेन ढूंढता रहता है कि थ्रेट्स एनवायरनमेंट में क्या है। तो जैसे कि आपको अगर आपके बॉस ने अगर आपको फायर किया है तो आपके अंदर वो थ्रेट्स आपका ब्रेन बताएगा कि एक थ्रेट है और फिर इमिडिएटली आपके बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, राइट, कि इस परिस्थिति से एक तो आपको लड़ना है या फिर यहाँ से भागना है, ठीक है। लेकिन आप ये सब हम तो कर नहीं सकते कि हम आपके अपने बॉस को मार भी नहीं सकते और उस नौकरी छोड़ के भाग भी नहीं सकते। तो फिर वो स्ट्रेस यानी वो एंशियस थॉट्स आते हैं कि इस परिस्थिति के बारे में हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो स्ट्रेस एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट को लेकर हमारी जो रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। परिस्थिति अगर बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती है या फिर डराने वाली कोई सिचुएशन है और उस सिचुएशन में जब आपको डर लग जाता है, यानी हमारी बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरते हैं और फियर ट्रिगर करता है स्ट्रेस को, ओके। सो उसके बाद है कि स्ट्रेस लेने के बाद हमारे ऊपर क्या असर होता है। दो परिणाम होते हैं। पहला एक होता है कि इमीडिएट रिएक्शन हमारे बॉडी के ऊपर होता है स्ट्रेस का, जैसे कि हमारे बॉडी के ऊपर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और अगर बार बार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे तो फिर हमें कई सारी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स यानी मनोकायिक बीमारियां हो सकती है, होती है, राइट। तो आपका शुगर बढ़ सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिले हैं। कि अभी लेटेस्ट कुछ रिसर्च यानी अब तक के कई रिसर्च ये बता रहे हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको हार्ट अटैक भी आपको आ सकता है या फिर हार्ट उसको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आपको हो सकते हैं। तो बॉडी पे तो इफेक्ट होता ही है और सेकेंड थिंग है कि स्ट्रेस से हमारी थिंकिंग एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और हमारी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस में जाती है। तो स्ट्रेस का तो नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट स्ट्रेस का है वो ये है कि आप तनाव में रहेंगे, एक स्पेसिफिक डेडलाइन आपको दी है आपके बॉस ने और वो डेडलाइन पे आपको काम करना है, तो उसको हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है तो वो बेनिफिशियल होता है। लेकिन आपको डरा देने वाला स्ट्रेस, आपको एंजाइटी क्रिएट करने वाला जो स्ट्रेस है वो बहुत हार्मफुल है और उसके कई साइड इफेक्ट कह सकते हैं या फिर उसके इफेक्ट जो है बहुत डेंजरस है। क्रॉनिक स्ट्रेस अगर लंबे समय तक स्ट्रेस चलता है तो वो आपको बीमार करने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो अगर आपको कंसिस्टेंटली आपके बॉडी स्ट्रेस में है, एवरीडे आपको जॉब का स्ट्रेस है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है उसका स्ट्रेस है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, तो आपके हेल्थ के ऊपर लास्टिंग इफेक्ट हो सकता है स्ट्रेस का और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, ओके। उसके बाद है कि स्ट्रेस की वजह से हमें कौन सी तकलीफें हो सकती हैं। तो सबसे कॉमन देखने को मिला है कि स्ट्रेस की वजह से
जो चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, चेंजेस हो सकते हैं हमारे स्किन के अंदर, चेंजेस हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है। अगेन ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, डिप्रेशन आ सकता है आपको, इंसोम्निया हो सकता है आपको, नींद नहीं आना या फिर बहुत ज़्यादा सोना, राइट, डरे डरे रहना, पैनिक अटैक्स आना, एंजाइटी क्रिएट होना, नेगेटिव थॉट्स हमेशा आना, अपने जीवन में हमें बहुत ज़्यादा एंशियस फील हो सकता है कि लाइफ लाइफ को लेकर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो सकती है कि लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आगे मेरा क्या होगा, यानी कंसिस्टेंटली नेगेटिव थॉट्स से हमारा माइंड भर जाता है। तो उस वो सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं और बॉडी के ऊपर तो कई होते हैं, यानी बहुत बड़ी लिस्ट है। हम ओवर द पीरियड वो सब एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होता है, स्ट्रेस के इफेक्ट्स क्या होते हैं, हज़ारों इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर उसके, राइट। तो उसके ऊपर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, ये सीरीज़ हम लंबी सीरीज़ करने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम बहुत डीप में जाएंगे, तो आपके कई सवालों के हम जवाब देंगे, तो आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सो स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस एक मेंटल बीमारी है? स्ट्रेस मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, स्ट्रेस हमारे रिस्पॉन्स है, राइट। मतलब एनवायरनमेंट को हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स है, वो कोई बीमारी नहीं है। स्ट्रेस ये सिचुएशनल होता है। तो अगर आप आपके थॉट्स को आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स सिस्टम है हमारा, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस रिपीटेटिवली अगर रोज़ ही आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसको हम बीमारी भी कह सकते हैं। ओके, तो आगे है हमारा क्वेश्चन है कि कैसे मैनेज करना है स्ट्रेस को। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कई सारे अप्रोचेस हैं। हम बेसिक में बताऊंगा आपको कि हमारे आयुर्वेदा में बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि योग्य आहार, योग्य निद्रा, योग्य व्यायाम, ये बेसिक एकदम पहले हम समझेंगे, बाद में धीरे धीरे हम सब डीप में जाएंगे ये सब फैक्टर्स को लेकर, राइट। तो आपको नींद अच्छी लेनी चाहिए, अगर आप नींद अच्छे से ले रहे हैं तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और एज वाइज है, स्लीप का भी कैसा है कि एज वाइज है, अगर आपका 30 तक आपका एज है तो 7 to 8 आवर्स काफ़ी हो जाती है, उसके बाद 30 से ऊपर आप है, 30, 40, 50 के बीच में फिर आपको स्लीप कम, एक एक घंटा कम हो जाती है, और उतना ही ठीक है, मतलब उसके बाद फिर 6 आवर्स भी चल जाता है, किसी किसी को 5 आवर्स में नींद स्लीप का इनफ हो जाती है। तो प्रॉपर स्लीप अगर आप करते हैं, नींद अच्छे से लेते हैं, तो आपका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। सेकेंड थिंग है आपका डाइट, डाइट में विटामिंस, मिनरल्स हम जो लेते हैं उसमें बी कॉम्प्लेक्स का होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो हम ले सकते हैं प्रॉपरली तो विटामिन B12, B6 इनके सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, या फिर आप हमारी जो ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है उसमें से हम ले सकते हैं। तो डाइट को आप अगर अच्छा रखते हैं तो आपको उसमें काफ़ी मदद मिलेगी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और तीसरा है कि योग्य व्यायाम, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपरली, फिजिकल वर्कआउट, उसको भी उसमें भी ऐसा है कि अगर एवरी डे 30 मिनट्स और पूरा वीक में अगर 3 आवर्स तक आपका एक्सरसाइज होता है पूरा वीक में टोटली, मतलब रोज़ 30 मिनट्स आप करते हैं और पूरा वीक में अगर आप 3 घंटे तक आपका एक्सरसाइज होता है तो मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपका जॉब बहुत बैठे बैठे जॉब है, बैठ के जॉब करना है, अगर आप आईटी फील्ड में है, बैठ के काम करना पड़ रहा है, तो फिर आपको एवरी डे फिर आपको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो नींद अच्छी लीजिए, उसके बाद डाइट को फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, और सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन को ऐड करो आपके डेली रूटीन में, मेडिटेशन को ऐड करो। 20 मिनट्स का मेडिटेशन रिकमेंडेड है, अगर 20 मिनट आप मेडिटेशन करते हैं अच्छे से मेडिटेट करेंगे तो आप काफ़ी बेहतर अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकाल पाएंगे। और अदर मोडालिटीज़ है जो हम यहाँ पे क्लिनिक में करते हैं, हिप्नोथेरेपी है, साइकोथेरेपी है, CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सब हम यहाँ पे मना प्रवाह में क्लिनिक में हम यूज़ करते हैं, तो वो तो बहुत प्रैक्टिकल और इमीडिएट रिजल्ट देने वाले अप्रोचेस है। अगर उसको भी आप करना चाहते हैं तो आप क्लिनिक में आ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे, राइट। तो मैनेजमेंट की ये सब स्ट्रेटजीज़ है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि दूसरों की वजह से अगर स्ट्रेस आता है तो क्या करें।
दूसरों की वजह से अगर स्ट्रेस आता है तो हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरे यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लोग, घटनाएं, परिस्थिति, वो घटना और परिस्थिति का इफेक्ट आपके ऊपर होता है, फिर आपका माइंड रिएक्ट करता है, आपका माइंड एक रिस्पॉन्ड देता है, और ये जो रिस्पॉन्स है ये हमारे कंट्रोल में है। तो अगर उनके एक्शंस बिहेवियर्स के वजह से वो आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप उसको रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, ये सारे रिस्पॉन्सेस चेंज हो सकते हैं मेडिटेशन से और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से। तो थोड़ा आप मेडिटेशन के बारे में जानकारी निकालो कि एवरीडे मेडिटेशन कैसे किया जाता है, और हमारे चैनल पे इसमें कई सारे मेडिटेशन है, तो इसमें से एक मेडिटेशन आप पिक कर लो और उसको रोज करना है आपको, तो कोई भी एक मेडिटेशन है आप उसको ले लो और डेली उसको करो। तो इससे क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी बाहर के जो लोग हैं वो आपको अगर कुछ तकलीफ दे रहे हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उनके बिहेवियर के वजह से आपको कुछ तकलीफ हो रही है, तो वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी बिहेवियर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर आप साइकोलॉजिकली देखने जाए तो किसी का भी बिहेवियर आपको अंदर डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, एनवायरनमेंट हमें डिस्टर्ब नहीं करता, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। मेडिटेट करो आप, मेडिटेशन के साथ आपको 1 मंथ के बाद आपको बेनिफिट दिखने लगेगा कि यस चेंजेस आ रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की, अगर स्ट्रेस मैनेज करना नहीं हो रहा है, ये सब करके भी अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है तो क्या करें। अगर स्ट्रेस ये सब करके भी मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको फिर एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। कौन होते हैं एक्सपर्ट? ये होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, हिप्नोथेरेपिस्ट। तो इनको आपको मिलना है, इनको कंसल्ट करना है, ये प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम को फिगर आउट करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ से आया, कैसे आया, इसका रूट कॉज क्या है, उसके ऊपर हम बहुत डीप में जाएंगे, और आपके रूट कॉज को हील करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके प्रॉब्लम ठीक होगी। अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, खुद ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कभी कभी कुछ केसेस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और वो आपसे हैंडल नहीं होगा क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट नहीं है, उसके एक्सपर्ट जो है वो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है, तो आप मनप्रवाह में आ सकते हैं, हम आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्प करेंगे और आप इजीली उसमें से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ क्लिनिकली प्रूवन मेथड्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब आज छोटा सा हमने इंट्रोडक्टरी सेशन लिया है, स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, क्या करना है, और धीरे धीरे हम डिटेल में जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस पूछते हो वैसे वैसे हम आपके सारे क्वेश्चंस भी लेंगे और उन क्वेश्चंस को डिटेल में, जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में, और सॉल्यूशंस हम देंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिससे आप अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर सके। सो आज की सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगती है, आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी सवाल है उसको कमेंट बॉक्स में आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।